सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। शाहिद खान अफरीदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। शाहिद खान अफरीदी की कैफियत और हालत कैसी है और शाहिद खान अफरीदी ने क्या पैगाम जारी किया, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मगर मज़ीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में शाहिद खान अफरीदी के लिए कोई जुमला कोई अल्फाज जरूर लिखे और खुसूसन शाहिद खान अफरीदी के लिए दुआ जरूर करें कि अल्लाह ताला शाहिद खान अफरीदी को सेहत याब करे। खुदा ना करे अगर शाहिद खान अफरीदी को कुछ हो गया, चूँकि शाहिद खान अफरीदी जहाँ भी इंसान किसी भी परेशानी में मुब्तला हो तो शाहिद खान अफरीदी उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और साथ ही साथ इमदाद जारी करते हैं और इसी वजह से शाहिद खान अफरीदी लोगों के दिलों में रहते हैं। मैं अपनी तरफ से तमाम इंसानों के लिए दुआ जरूर मांगता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों की हिफाजत करे और जो जो इस मौजी वबा में मुब्तला है अल्लाह ताला उसे निजात दिलाए और बिलखसूस शाहिद खान अफरीदी पर अल्लाह ताला खुसूसी फजल और करम करे, आमीन। अब आपकी बारी है कि आप शाहिद खान अफरीदी के लिए किस अल्फाज से और किस तरह उनके लिए दुआ करते हो। कोरोना वायरस खिलाड़ियों पर बट्टी वार करने लगा। पाकिस्तान के मायनास साबिक बल्लेबाज शाहिद खान अफरीदी भी कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। बूम बूम अफरीदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि मैं जुमेरात से तबीयत में बेहतरी महसूस नहीं कर रहा था, जिस्म में शदीद दर्द और बेचैनी महसूस कर रहा था। कोरोना का टेस्ट करवाया जो बदकिस्मती से मस्बत आया। कौम से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील है। ज़ेर नज़र ट्वीट आप देख सकते हो। ख्याल रहे, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद 1,32,000 से तजावज कर चुकी है, जबकि अमवात की तादाद 2,551 है। मुतासरीन की तादाद में सूबे पंजाब सर फहरिस्त है। तो दोस्त, ये थी शाहिद खान अफरीदी के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद है इस अपडेट से आप भी मायूस हो गए होंगे। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दो।